हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप वीवो फ़ोन में इजी टच का लोगो कैसे चेंज करना है। जहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहां पर आपको स्क्रीन मिल जाएंगे, इसका जो लोगो है मिल जाएंगे, तो इसको आपको चेंज कैसे करना मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर करते हैं क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है 50 लाइक आपको करवाने हैं। मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन का, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको इजी टच का जो लोगो है उसको चेंज करने के लिए आपको चले जाना है फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको जाना है नीचे, नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा इजी टच, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड स्क्रीन, यहाँ पर आपको एक फंक्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाली सेटिंग खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये वाला सेटिंग आपके फ़ोन में होगा। तो यहाँ पर आपको आपको रोबोट का चाहिए, जहाँ यहाँ पर नींबू का चाहिए, जहाँ ये वाला आप डीडी वाला यहाँ पर ये लेना चाहते हो ये वाला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आगे करोगे स्क्रॉल, यहाँ पर आपको फ्यूचर टैग का एक साइन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको जो पसंद है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो लोगो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पर जो इसके लोगो है इजी टच के वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको तो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।